सो गाइस इन दिस वीडियो जो गाड़ी हमारे पास फॉर रिव्यू है दैट इज किया की रियो और ये गाड़ी बजट सेगमेंट में आती है, ये गाड़ी हैचबैक सेगमेंट में आती है। कमिंग टू दी हेडलाइट्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द कार, जो गाड़ी का फ्रंट है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की ग्रिल आती है जो दोनों हेडलाइट्स के दरमियान है और दोनों हेडलाइट्स को कनेक्ट करती है। कमिंग टू द हेडलाइट, जो गाड़ी की हेडलाइट्स हैं उनके अंदर प्रोजेक्शन लैंप्स उसके अलावा सारे इंडिकेटर्स आते हैं। उसके अलावा गाड़ी के फ्रंट पे ग्रिल भी आती है एज वेल एज कार कम्स विद प्री फिटेड फॉग लैंप्स। और कमिंग टू द इंटीरियर ऑफ द कार, जो गाड़ी का इंटीरियर है वो पूरे का पूरा डार्क कलर में है गाड़ी का इंटीरियर। और जो गाड़ी का ओवरऑल एस्थेटिक्स लगते हैं इंटीरियर के, जो ओवरऑल डिज़ाइन है इंटीरियर का, डेट इज़ प्रीटी गुड। और पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पाकिस्तानी कार्स के लिहाज से इसके इंटीरियर के डिज़ाइन काफ़ी बेहतर हैं। एंड कमिंग टू दी सेंट्रल कंसोल, जो गाड़ी का सेंट्रल कंसोल है उसके अंदर एसी आता है, उसके अलावा मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आते हैं, एयर वेंट्स आते हैं, उसके अलावा गियर बॉक्स वगैरह आता है। कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, उसके अलावा TFT आती है। कमिंग टू द स्टेयरिंग व्हील, जो गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है उसके अंदर ट्रिप मीटर, रीसेट, उसके अलावा मल्टीमीडिया कंट्रोल आते हैं। उसके अलावा कमिंग टू द राइट साइड ऑफ स्टेयरिंग व्हील हमारे पास हेडलाइट एडजस्टमेंट के लिए ऑप्शन आती हैं। कमिंग टू द ड्राइवर्स डोर, ड्राइवर्स डोर के अंदर हमारे पास साइड मिरर के कंट्रोल आते हैं, उसके अलावा चारों ऑटोमेटिक विंडोज के कंट्रोल आते हैं। कमिंग टू द ड्राइवर्स डोर हमारे पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आता है, उसके अलावा स्पीकर भी आता है ड्राइवर डोर के अंदर। कमिंग टू द सेंट्रल आर्मरेस्ट, जो सेंट्रल आर्मरेस्ट है उसके नीचे स्टोरी कंपार्टमेंट भी आता है, उसके अलावा दरमियान में कप होल्डर्स की जगह भी मौजूद है। और गाड़ी के अंदर मैनुअल हैंडब्रेक आती है। उसके अलावा जो गाड़ी का सेंट्रल कंसोल है उसके अंदर जो एयर वेंट्स आते हैं गाड़ी के एसी के, उसके अलावा मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आते हैं, मल्टीमीडिया ऑडियो कंट्रोल्स को सपोर्ट करता है। उसके अलावा ये ऑन दी अपर माउंटेड LEDs हैं। और उसके अलावा गाड़ी के अंदर ऑक्स की सपोर्ट, USB की सपोर्ट, उसके अलावा फ़ोन की सपोर्ट, रेडियो एटसेट्रा, तमाम सपोर्ट गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। और जो गाड़ी का AC है डेट इज़ कन्वेंशनल काइंड ऑफ AC, हमारे पास नोब्स वाला AC है, नो डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल। उसके अलावा गाड़ी के अंदर USB पोर्ट की ऑप्शन भी मौजूद हैं सेंट्रल कंसोल के अंदर। उसके अलावा गियर बॉक्स CVT 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है। और जो एयर वेंट्स है उसके इर्द गिर्द ग्लोसी मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। और ओवरऑल जो गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर मटेरियल इस्तेमाल हुआ है डेट इज़ हार्ड प्लास्टिक, जो गाड़ी को कोई इतनी बुरी लुक नहीं देता। जो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है, जो पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं उसके मुकाबले जो हार्ड प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है डेट इज़ प्रीटी बेटर। उसके अलावा जो गाड़ी का स्टेयरिंग है डेट इज़ टेलीस्कोपिक और वो 2-way एडजस्टेबल है, ऊपर और नीचे हो जाता है। और जो गाड़ी के ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है एज कम्पेयर टू अदर पाकिस्तानी हैचबैक्स इज मच बेटर। और जो गाड़ी का स्टीयरिंग है उसके ऊपर भी लेदर की रैपिंग हुई है। उसके अलावा कमिंग टू दी अपर माउंटेड LEDs, एक फ्रंट पे LED आती है, उसके अलावा एक बैक पे LED आती है। उसके अलावा एक ड्राइवर के सर के ऊपर भी स्टोरेज कंपार्टमेंट आता है। एंड देन वी हैव शेड और नथिंग फैंसी गोइंग ऑन। जो गाड़ी की सीट्स हैं डेट आर फैब्रिक, जो गाड़ी तमाम की तमाम सीट्स फैब्रिक हैं और ज़्यादा लेदर का इस्तेमाल नहीं हुआ गाड़ी के अंदर। उसके अलावा जो गाड़ी की सीट्स के एडजस्टमेंट है डेट इज़ मैनुअल, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट नहीं आती गाड़ी की सीट्स के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर। जो गाड़ी ओवरऑल है वो किसी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स के साथ नहीं आती, मतलब कि ज़्यादा कैमरा और ज़्यादा सेंसर वगैरह गाड़ी के अंदर नहीं आते, एक नॉर्मल हैचबैक है ये गाड़ी, कोई एक्स्ट्रा कंट्रोल के साथ नहीं आते। और कमिंग टू दी बूट स्पेस, जो गाड़ी की बूट स्पेस है वो एज अ हैचबैक काफ़ी है, मतलब 3-4 फुट के आराम से गाड़ी अकोमोडेट कर सकती है। उसके अलावा लिफ्टिंग ऑफ द बूट स्पेस मैट वी हैव अ स्पेयर टायर एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट फॉर रिप्लेसिंग द स्पेयर टायर। उसके अलावा बैक साइड पे किया की ब्रांडिंग आती है। उसके अलावा जो बैक टेल लाइट्स हैं वो सिंपल टेल लाइट्स हैं, उसके अलावा उसके अंदर सारे इंडिकेटर्स और रिफ्लेक्टर्स भी आते हैं। उसके अलावा अपर माउंटेड ब्रेक लैंप्स भी आते हैं, उसके अलावा बैक पे वाइपर भी आता है। और जब हम आए साइड के डोर हैंडल्स पे, जो तमाम डोर हैंडल्स हैं डेट आर बॉडी कलर्ड। और गाड़ी के जो व्हील्स हैं डेट कम विद 16 इंचज ऑफ अलॉय रिम्स। और जो गाड़ी के व्हील टायर्स हैं वो इम्पोर्टेड हैं, मतलब तो पूरी की पूरी गाड़ी जब इम्पोर्टेड तो जाहिर सी बात टायर्स तो इम्पोर्टेड ही होंगे। और कमिंग टू दी बैक साइड ऑफ द कार, जो गाड़ी की बैक साइड है उस पर इतनी ज़्यादा स्पेसिंग नहीं है, मतलब कि गाड़ी इतनी ज़्यादा खुली नहीं है फ्रॉम बैक। जो लेग स्पेस है ऑन द बैक साइड डेट इज़ नॉट एम्पल ठीक। और जो बैक सीट्स हैं उसके अंदर भी सीट बेल्ट दी गई हैं। और
हेडरेस्ट भी दिए गए हैं बैक सीट्स के ऊपर, मतलब कि सोफा सीट टाइप हैं बैक सीट की। और उसके अलावा जो बैक साइड है उसके ऊपर भी एक USB हब दिया गया है फॉर चार्जिंग एंड अदर पर्पजेस। और जो गाड़ी के ओवरऑल बाकी चीज़ें हैं वो कंपेटेबल हैं टू दी मार्केट, मतलब कि इस तरह की गाड़ियों में और इस रेंज की गाड़ियों में पाकिस्तान में भी यही कुछ आता है मोर और लेस। जो गाड़ी का इंजन है डेट इज़ 1.4 लीटर इंजन, उसके अलावा ये किसी किस्म की और टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये एक इंजन ही इंगेज होता है व्हेन ड्राइविंग, नन ऑफ द मोटर और एनी अदर थिंग फैंसी इज गोइंग ऑन। उसके अलावा कमिंग टू द प्राइसिंग, जो गाड़ी की प्राइसिंग है डेट इज़ प्रीटी फैंसी राइट नाउ, क्योंकि जो मैंने सेल्समैन वगैरह से पूछा था तो वो कह रहे थे कि दे आर ओनली सेलिंग किया कार्निवाल, वो किया स्पोर्टेज और किया रियो को नहीं बेच रहे, और वो सिर्फ और सिर्फ किया कार्निवाल को बेच रहे हैं, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों के जो प्राइजेस हैं ऑन टैक्सीज एक्सेट्रा वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की ओवरऑल प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो कस्टमर फ्रेंडली नहीं रहती, तो इस वजह से वो किया रियो को नहीं बेच रहे। और जब मैंने उनसे पूछा प्राइसिंग के बारे में अंदाजन, तो वो कह रहे थे कि 18 से 20 लाख के दरमियान किया रियो की प्राइसिंग होगी। और उसके अलावा कमिंग टू द एंड, कमेंट द वीडियो डेट यू वॉन्ट टू सी। उसके अलावा गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द किया कार्निवाल रिव्यू डेट विल बी कमिंग सून, और वो इन तमाम रिव्यूज में सबसे ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव रिव्यू होगा। सो गाइस इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो, सब्सक्राइब टू चैनल, पीस आउट।